नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी यानी उर्मिल सखी हाजिर हूँ लेकर कार्यक्रम दस्तक दिल की बात कलम से। अपने सभी दर्शकों का दिल से अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और अभिनंदन के साथ साथ धन्यवाद भी करती हूँ, क्योंकि दस्तक को आपका प्यार दिन ब दिन मिल रहा है। आपकी दुआओं से हमें जो है दस्तक जो है मुकम्मल अपने मुकाम तक पहुंच रही है। और आप सभी जानते हैं कि दस्तक एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हमारे मेहमान जो आते हैं वो अदब की दुनिया के जाना माना नाम होते हैं, पहचान रखते हैं। इस कड़ी में आज हम जिन मेहमान को आपसे मिलवाने जा रहे हैं, मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। उनका परिचय करवाने से पहले उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि आप जो हैं राष्ट्रीय स्तर के मंचों पर अपनी गज़लें पढ़ते हैं और इसके साथ साथ टीवी चैनल्स पर और रेडियो चैनल्स पर, यानी कि कोई टीवी, कोई मंच, कोई रेडियो ऐसा नहीं जहाँ पर आपने प्रस्तुति ना दी हो। और साथ ही मतलब जो मैगज़ीन्स होती हैं, तकरीबन सभी मैगज़ीन्स में उनकी गज़लें अपनी खास दस्तक रखती हैं। और अनेक संस्थाओं के आप सदस्य हैं, साहित्यिक संस्थाओं के आप सदस्य हैं और कुछ एक संस्थाओं के आप संस्थापक अध्यक्ष भी हैं और कुरुक्षेत्र से हैं। और आप साहित्य विधा की अंदर जो गज़ल विधा है उस परंपरा का निर्वाहन पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। इस विधा को गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आप जो हैं इसको अग्रसर कर रहे हैं। और इस कड़ी में बात करते हैं साथ ही आपके प्रोफेशन की, तो आप जो हैं एक अध्यापक हैं और अध्यापक होने के साथ साथ अभी बहुत जाने माने साहित्यकार हैं, तो करते हैं स्वागत। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुबह सिंह सुजान जी की। सुबह सिंह सुजान जी, आपका स्टूडियो में दस्तक दिल की बात कलम से कहने के लिए स्वागत करते हैं। प्रणाम जी। नमस्कार, जस्ट टीवी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम नमस्कार। और आज मुझे उर्मिल सखी जी ने यहाँ अपनी बात रखने का मौका दिया, अब मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ आपका जी। तो सुजान साहब, आपको मैं बता दूँ, ये जो हमारा दस्तक कार्यक्रम है जी, दस्तक दिल की बात कलम से, तो जो हमारे मेहमान होते हैं हमारे दर्शकों को दिल की बात कलम से भी कहते हैं और दिल की बात दिल से भी कहते हैं। तो आप तैयार हो जाइए दिल की बात कलम से कहने के लिए भी और दिल से कहने के लिए भी। तो बात कलम की है तो आपके बारे में बहुत कुछ जानेंगे आज हमारे दर्शक। आप कुरुक्षेत्र से हैं, एक अध्यापक हैं और साथ ही जब आप गज़ल कहते हैं तो मुझे ये बताइए कि ये जो सुजान है, सुबह सिंह सुजान जी, ये सुजान का मतलब क्या होता है और ये सुजान आपका उपनाम आपने क्या सोच के रखा? जी बेशक, बहुत अच्छा प्रश्न आपने ये पूछा जी। सुजान एक, इसका अर्थ संस्कृत का शब्द है और इसका बड़ा गहरा अर्थ है। और ये मैंने यही सोच कर रखा कि जब तखल्लुस की बात आई तो तखल्लुस रखना है तो क्यों नहीं अपनी संस्कृति के साथ, अपनी पुरातन भाषा के साथ संस्कृत से लिया जाए और एक अच्छे अर्थ का लिया जाए, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो उन शब्दों से जो ऊर्जा निकलती है उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जब मेरे उस्ताद ने मुझे कहा कि भी कोई भी आप तखल्लुस चुनिए, तो मैंने ये चुना जी। और उन्होंने फस, क्योंकि उर्दू के शायर थे उस्ताद साहब, तो उनको ये लग रहा था कि आपने मैं ऐसा आपके गुरु जी का भी नाम जानना चाहती हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ अपने आज डॉक्टर एसपी शर्मा तफ्ता जारी साहब को, उस्ताद मोहतरम, उनके चरणों में प्रणाम है। और आज इस दुनिया में नहीं है, खैर हमारा खानदान जार अल्लामी खानदान है। डॉक्टर ओम प्रकाश जार अल्लामी साहब मेरे उस्ताद मोहतरम के उस्ताद रहे हैं जी। और उनके गुरु भाई डॉक्टर आर पी शर्मा महरिश साहब मुंबई में थे, अभी इंतकाल हो गया उनका भी जी। और डॉक्टर बी डी कालिया हमदम जी, कई साथी जो इस जार अल्लामी खानदान को आगे बढ़ा रहे हैं और गज़ल की परंपरा को आगे नए लोगों को सिखा रहे हैं। ये बहुत खूब काम है। तो, और तो हम बात कर रहे थे तखल्लुस पर। तो तखल्लुस में जब मैंने, मुझे लगा कि ये सुजान का अर्थ मैं बताना चाहूँगा। सुजान का अर्थ एक प्रेमी है। अच्छा। और दूसरा इसका अर्थ दूसरे मायनों में है ईश्वर, जो सब कुछ जानने वाला, सुजान सब सुविज्ञ
सब कुछ जानने वाला। और कबीर का दोहा भी है कि कर्त कर्त अभ्यास के जड़मित हो सुजान, तो वहाँ भी वो जो सब कुछ ज्ञानी बने, ज्ञानी बन जाता है। बिल्कुल, तो बहुत, इसलिए मुझे ये नाम बड़ा अच्छा लगा और मैंने इसको चुना। तो उस्ताद ने पहले तो कहा कि भी गजल परंपरा में कोई ऐसा नाम हो जो उर्दू का हो, अरबी का हो। मैंने कहा गुरु जी मुझे तो ये अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने फिर मुझे कुछ समय बाद परमिशन दी इसकी रखने की। ये तो बहुत अच्छा चल रखी है। तो आप गजल में दखल रखते हैं, गजल कहते हैं, पूरी बहर में कहते हैं, तो बातों का सिलसिला तो हम आगे बढ़ाएंगे, आपके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं गजल से। जी। तो जी हाँ, तो कोई गजल रखूं आपके बीच? जी बिल्कुल। एक सीने, गजल से ही शुरुआत करेंगे। सीने में आग मेरा प्रथम गजल संग्रह है। जी, मैं वही देख रही थी कि ये सीने में आग इतनी थी कि मुकम्मल किताब आ गई। जी, ये 2007 में पहला गजल संग्रह प्रकाशित हुआ था, हरियाणा साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। जी। और इस पहले गजल संग्रह के लिए मुझे ये लगा कि उस्ताद ने कहा कि कोई पुस्तक आनी चाहिए, आपकी बहुत गजलें हो चुकी हैं, तो काफ़ी, क्योंकि प्रेस के खर्चे होते हैं तो उसको देख के हम पीछे हटते रहते हैं, लेकिन उस्ताद ने कहा कि आपकी पुस्तक आनी चाहिए, तो तब ये प्रकाशन में आई। तो मैं आपके लिए गजल रखूं बीच में, आप सभी श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए, कि इसमें देखिए बानगी, इस सीने में आग गजल संग्रह में जो गजलें हैं उनमें से एक बानगी कि अपनी बातों की ज्यादा जो सफाई देगा। अच्छा। अपनी बातों की ज्यादा जो सफाई देगा उसकी बातों में बहुत झूठ दिखाई देगा। हाय हाय हाय, क्या बात है। उसकी बातों में बहुत झूठ दिखाई देगा, और आजकल शहर की पहचान नहीं कुछ मुश्किल। आजकल शहर की पहचान नहीं कुछ मुश्किल, खुद समझ लेना जहां शोर सुनाई देगा। क्या बात है। खुद समझ लेना जहां शोर सुनाई देगा। और शेर यूं है कि अच्छा बनने के लिए काम भी अच्छे ही करो। अच्छा बनने के लिए काम भी अच्छे ही करो, ये ना सोचो कि जमाना तो बुराई देगा। ये ना सोचो कि जमाना तो बुराई देगा। और शेर यू भी है कि तुमको हक है मुझे नफरत से भी देखो, लेकिन तुमको हक है मुझे नफरत से भी देखो, लेकिन मेरी आंखों में तुम्हें प्यार दिखाई देगा। क्या बात है, वाह वाह। मेरी आंखों में तुम्हें प्यार दिखाई देगा। और आखिरी शेर इस गजल का, कि बड़ा गौर फरमाइएगा इस शेर पर, कि क्या किया क्या ना किया उसने समझना है हमें। क्या किया क्या ना किया उसने समझना है हमें, कत्ल के बाद भी मुजरिम तो सफाई देगा। क्या बात है, कत्ल के बाद भी मुजरिम तो सफाई देगा। तो ये एक गजल आपको बीच में रखी मैंने। सुबह सिंह सुजान जी, मैं आपको सुजान जी ही कहूंगी क्योंकि ज्ञानी आदमी को सुजान कहते हैं, तो मैं ज्ञानी ही कहूंगी आपको। तो सुजान जी ये बताइए कि मैं सवाल आपसे पूछ रही थी कि आपने गजल विधा को ही क्यों चुना, किसी और विधा को क्यों नहीं चुना, तो ये मोहब्बत गजल से क्यों हुई, कब हुई? देखिए जब शुरुआत में कविता की तरफ गया, पढ़ रहा था, पढ़ते समय लगभग सेवंथ क्लास में पढ़ रहा था, तो उस समय कविताओं की तरफ, पाठ्य पुस्तकों से पढ़ते हुए कविताएं, तो उनकी तरफ रुझान हुआ लिखने का। फिर फिल्मी गीतों से प्रभावित हुए, और जब प्लस टू में मैं बारहवीं कक्षा में था तब मुझे गज़ल लिखने का आरम्भ हुआ था। जब मैंने दुष्यंत कुमार को पढ़ा, मुझे गज़ल हमारे पाठ्यक्रम में थी, मैंने उसको पढ़ा, तो उसके बाद मुझे गज़ल बहुत अच्छी लगी। खैर गालिब को सुनते रहे थे पहले से, मीर को सुनते रहे थे, जगजीत सिंह को सुनते थे उन दिनों, लेकिन दुष्यंत ने हिंदी गजल को हिंदी जो मकाम दिया वो किसी ने नहीं दिया। हरीश चंद और जो है जी, इन दोनों मुझे वो बड़े प्रेरणादायक रहे हैं मेरे। बिल्कुल, दुष्यंत तो अपने आप में, तो दुष्यंत जी का जो लहजा कहने का रहा है वो बड़ा प्रेरणादायक रहा है। तो मुझे लगा कि गजल में एक कहने का अंदाज है, उसमें बात को बड़े अच्छे से रखा जाता है, और वो एकदम से सुनने वाले श्रोता के मन पर एकदम से प्रभावित करती है और उसके अंदर से वाह निकलती है। तो जब ये लहजा दिखाई देने लगा, ये प्रेरणा मिली, तो मुझे इसकी तरफ रुझान बढ़ता चला गया मेरा, और इस रुझान में फिर प्लस टू के दौरान ही मैंने गजलें लिखनी शुरू कर दी थी। उस समय तक बहर का ज्ञान नहीं था। जी, मैं पूछने वाली थी ये सवाल। जी जी, शुक्रिया। तो बहर का ज्ञान नहीं था, तो लेकिन गज़ल में
काफिया रदीप को निभाया जाता था नेचुरली अपना वो रिदम थी। मीटर का रिदम भी लगभग नजदीक रहा, काफी करीब रहा, जिससे मैंने कई गजलें उन दिनों भी मैंने भेजी कई दैनिक पत्रों में मैगजीन में और वो प्रकाशित होने लगी। जब वो प्रकाशित होने लगी तो मेरा हौसला और बढ़ गया तो इसी दौरान और मैं एक बात और बीच में दखल देना चाहती हूँ। आपने सदाबहार कोई कार्यक्रम टीवी पे आता था और आपने वहाँ पे रचना भेजी, उसको स्वरबद्ध किया गया जी, उसके बारे में बताइए। जी बेशक, ये बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसको कहने वाला था। उससे भी मेरा मुझे बड़ा हौसला बढ़ा कि 1995 में मैं प्लस टू में पढ़ रहा था। अच्छा। और मैंने देखा टीवी पर कार्यक्रम गुलशन कुमार का टी सीरीज का कार्यक्रम था गीत बहार के नाम गीत से बहार, हाँ। और उसमें कई गायकों को प्रमोट किया जाता था और लेखकों को कवियों को प्रमोट किया जाता था। तो उस कार्यक्रम को देखकर मैंने मुझे भी प्रेरणा मिली और मैंने एक गजल लिखी और सिंपल से लिफाफे में डालकर वो पोस्ट कर दी। हाँ। और वहां से मुझे देखिए क्या मंजर था। उस समय जुलाई का महीना था और एक छोटा सा टीवी हमारे बाहर ब्लैक एंड व्हाइट छोटा सा टीवी बाहर रखा था, एक टेबल पे भाई ने लगा रखा था। उस चित्रहार गाने सुनने की उनकी इच्छा रहती थी और मैं वो कार्यक्रम देखता था कभी कभी। तो उस दिन मैं जब कार्यक्रम आ रहा था, मैंने कहा भाई देख रहा था, तो मैं थोड़ा पशुओं का काम कर रहा था और खेतों में धान का रोपने का काम चला हुआ था। हम वहाँ बिजी होते थे उन दिनों और वहाँ पर भाई ने वो टीवी लगाया और उसमें उसको सुनाई दिया भी सुबे सिंह सुजान कुरुक्षेत्र से उनकी गजल अनुराधा पौडवाल और नितिन मुकेश जी पढ़ रहे थे। अच्छा। भाई ने मुझे आवाज लगाई, मैं दौड़ते गया तो मैंने उसको सुना। अच्छा। बड़ा रोमांचकारी पल था, मनोहारी दृश्य रहा। तो वो मैं मतलब भाई ने मुझे कहा कि आपकी गजल पढ़ रहे हैं। तो उसके बाद मैंने उसको देखा, उसको सुना और वो बड़ा अच्छा लगा। उसने जो प्रेरणा दी लिखने के लिए, उस प्रेरणा में खैर ये भी था कि उन दिनों में फिल्मों में गजलें या गीत लिखने का बड़ा मन था, ये पहले से मन में था और उससे और उत्साहित हुआ था। और उन दिनों मैंने फिर इसको देखा तो बाद में मुझे आदेश श्रीवास्तव जी का संगीत है उसमें और अनुराधा पौडवाल और नितिन मुकेश जी ने उसको गाया है। क्या बात। और वो मुझे 500 रुपए का चेक आया। अच्छा। उन दिनों हमारा 500 रुपए भी परिवार में किसी का बैंक में अकाउंट नहीं था। अच्छा। और मुझे वो चेक निकालने के लिए वे अंकल थे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो उसको दिखाया भी इसको मैं कैसे निकालूं। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको खाता खोलना पड़ेगा, बैंक में खुलवाना पड़ेगा और उसके बाद ये चेक लगेगा। फिर वो उसके लिए उन्होंने मेरी उसमें खाता खुलवाया बैंक में, केनरा बैंक में, और फिर मैंने वहाँ चेक लगवाया था। तो उस 500 रुपए का, उस 500 रुपए का क्या किया आपने? वो पुरस्कार मेरे लिए, मैंने उसकी मिठाई घर में बांटी थी जी। और तो बड़ा अच्छा मनोरम दृश्य था वो और उसने बड़ी प्रेरणा दी मुझे लिखने की। और उसके बाद मैंने एक चिट्ठी लिखी थी, एक जानकार थे मेरे रिश्तेदारी से, वो मुंबई में फिल्मों में ट्राई कर रहे थे, तो मैंने उनको पत्र लिखा कि आप मुझे फिल्मों में गीत लिखने का मेरा इच्छा है और मुझे मुंबई आना है, क्या आप मुझे वहाँ पर कुछ दिन ठहरने का अवसर देंगे? तो उन्होंने मुझे पत्र का जवाब दिया। उन दिनों पत्र चलते थे, पत्र व्यवहार था। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई मुंबई में दुनिया आती है, लाखों लोग यहाँ गुम हो जाते हैं, ये कोई भरोसा नहीं, लक की बात है, आपकी किस्मत अगर भाग्य में कुछ हुआ तो हो सकता है, ट्राई करना है, मैं तैयार हूँ, आप महीना दो महीने के लिए मेरे पास ठहर सकते हैं। अच्छा, इतनी बड़ी बात, देखो कौन कहता है कि महीना दो महीना। तो बहुत उन्होंने फिर मुझे अवसर देने के लिए कहा और पत्र दिया। फिर उन्हीं दिनों मैं तैयारी ही कर रहा जाने की, मुझे ना एक हमारा कोर्स है GBT जिसके करने के बाद मैं अध्यापक पद पर आया, तो वो उसका लेटर आ गया मेरे कोर्स में एडमिशन का। मुझे लगा तो मैंने उनको पत्र लिखा दोबारा से कि भाई अगर मैं ये करूं जीवन में, मैं इस मोड़ पर हूं, उधर जाऊं या उधर जाऊं। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया ना पहले आप ये कीजिए और इसमें जो की संभावनाएं अच्छी हैं तो ये बाद में देखिएगा। और हरियाणा वाले तो यही सलाह पहले देंगे जी बेशक क्योंकि रोजी रोटी का सवाल था, मुंबई जाना कैंसिल हो गया और यहां रोजी रोटी का सवाल था जी जी, और परिवार को चलाने का सवाल था, है ना। और घर में बड़े थे आप? मैं 4 भाइयों में दूसरे नंबर पर हूँ, एक बहन है जी। हम 5 भाई बहन हैं। तो जिम्मेदारी परिवार की होती है, है बेशक ना? आज तो, भी मेरे पास जिम्मेदारी परिवार में सबसे ज्यादा मेरे ऊपर है जी। नहीं, आपके ऊपर नहीं है, मैं तो ये कहूंगी कि जो निभाना जानता है बेशक उसी के पास होती है। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा। जो निभाना जानता है जिम्मेदारी उसी के हिस्से आती है, होता ही है, ये जिम्मेदारी का मिजाज है। तो बात करते हैं गजलों की तरफ, फिर से लौटते हैं क्योंकि आपकी बातों में बहुत आनंद आ रहा है, क्योंकि वो समय ही ऐसा था कि
छोटा सा भी कुछ रचना छपती थी तो बार बार उसको निकाल निकाल के देखते थे, खुशी होती थी, है ना। और खासकर टीवी पर प्रोग्राम में नाम का आना, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे सुनते सुनते, मारे खुशी के कि भाई कितना कितना, मतलब वो मौका बहुत ही संवेदनशील कह सकते हैं, संवेदनात्मक होता है। और वहीं से शुरुआत होती है, वो अंकुर प्रस्फुटित हुए और फिर वहां से आपका गजल का सिलसिला शुरू हुआ जी। तो बढ़ते हैं गजल की ओर फिर से जी। तो आपको इसी मैं अपने संग्रह से एक रचना आपके बीच में और गजल के जी कुछ आपको रखूंगा। एक गजल मैंने लिखी थी, बड़ा ही 1999 में एक गजल लिखी गई थी, ये मेरी गजल, और ये बड़ा भावनात्मक था उन दिनों। वो पल ऐसे होते हैं, तो उस मोड़ पर थे और यमुनानगर में मैं JBT का कोर्स कर रहा था, उन दिनों ये गजल लिखी गई थी। तो इसमें क्या देखिएगा इसको, स्वागत है। देखिए बड़ी छोटी बहर की है, क्या हुआ देख भावनाओं का, क्या हुआ देख भावनाओं का, हो गया खून कल्पनाओं का, क्या हुआ देख भावनाओं का, हो गया खून कल्पनाओं का, जड़ बने अब विचार लोगों के, युग गया बीत चेतनाओं का, युग गया बीत चेतनाओं का, और हो गया हूँ शिकार फिर देखो जिंदगी में विडंबनाओं का, हो गया हूँ शिकार फिर देखो जिंदगी में विडंबनाओं का, और कातिलों की शरण बने मंदिर, कातिलों की शरण बने मंदिर, कुछ नहीं लाभ वंदनाओं का, कुछ नहीं लाभ वंदनाओं का, और गरम लोहा उठा ले हाथों में, मत मना रोष यातनाओं का, मत मना रोष यातनाओं का, प्यार का देवता सिहरता है, हो रहा मान वासनाओं का जी। और इसका आखिरी शेर के प्रेम गायक सुजान ही होगा, प्रेम गायक सुजान ही होगा, नव सृजनशील योजनाओं का जी। जी बहुत खूब गजल कही आपने। तो ये बताइए सुजान जी कि जब आपने गजल लिखी और अब आप गजल की किताब भी आ गई है आपकी, है ना, और बहुत आप इतना साहित्य आपने सृजन किया हुआ है, अनेकों आपके संपादकों में आपकी गजलें प्रकाशित हैं, राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर की है, शहरी स्तर की जो मैगजीन्स हैं, कुल मिला के आप हर एक संपादित पुस्तक में आपकी रचना तो होती है मुकम्मल, आप एक जाना पहचाना नाम है। एक सवाल और आपसे पूछती हूँ कि गजल के अलावा और भी विधाएं हैं, उपन्यास है, कहानी है, है ना, हाँ, तो कभी ये सोचा कि कुछ और भी लिखूं या संतुष्ट है गजल से? ठीक, अच्छा सवाल है जी। गजल ही क्यों, मैंने कविताएं उससे पहले लिखी हैं और आज भी मुक्त कविताएं कभी कभी लिखता हूँ, और एक संग्रह मैं सोच रहा हूँ कविताओं का भी आएगा जी जल्दी, और कहानी, लघु कथाएं और कहानियां भी लिखी गई हैं जी, हालांकि थोड़ी लिखी है मात्राओं में, लघु कथा ज़्यादा लिखी है जी। और मुझे लगता है कि मैं लेख कई लिखे मैंने, और फेसबुक और सोशल मीडिया पर तो काफ़ी लिखता रहता हूँ, तो वहाँ पर अपना ब्लॉग भी है, वहाँ भी लिखता हूँ, फेसबुक पर लिखता हूँ, और लेख भी एक पुस्तक उनकी भी आएगी, तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें एक स्वतंत्र विचार लगातार से लिखा जा सकता बंदिश नहीं है, और बंदिश नहीं होती उसका बड़ा, मतलब इसमें इसलिए प्रेरणा मिलती है उसमें लिखने की, विचार जल्दी से लिखे जाते हैं, तो वो जरूर मैं लिखता भी हूँ और उसकी पुस्तक भी आएगी। और आप किन को पढ़ना पसंद करते हैं, मतलब कि गजल ज्यादा लिखते हैं तो आपकी प्रेरणा कौन है? हाँ, गजलों में देखिए दुष्यंत जी तो आपने मुझे दुष्यंत कुमार की गजलें तो अच्छी बहुत लगी और उनसे प्रेरणा भी मिली, और मुझे गालिब उसके बाद बड़े अच्छे लगे, गालिब मीर को भी पढ़ा, गालिब मेरे कभी कभी रूह में उतरे, गालिब को जब दौर था 1996-97 का तो उसमें गालिब को बड़ा पढ़ा, बार बार पढ़ा। अच्छा। और उसके बाद मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र को भी पढ़ा, उनकी गजलें देखी मैंने, मैं बड़ा हतप्रभ था कि जिनको हिंदी कवि के रूप में था उनकी गजलें भी देखी मैंने। और लोगों को इस बात की समझ बहुत कम है मुझे लगता है कि हम लोग मिर्जा गालिब, फराज, इन सब को ही जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि दुष्यंत जी ने और जी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कितना जो मुकाम दिया है हरिश्चंद्र जी, और इसके अलावा जो गजल को, जो हिंदी गजल को जो मुकाम दिया है भारतेंदु जी ने और
दुष्यंत ने, वो मुकाम किसी को भी हासिल नहीं है। उसके बाद बहुत शायर आए, लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने। ये बीच बीच में मैं जानकारी इसलिए भी हम इस पर बात करते हैं कि बातों बातों में बहुत सारी जानकारियाँ, बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें भी हमारे बीच होती हैं। हाँ जी, जी तो उनको पढ़ा आपने, गालिब साहब को पढ़ा, दुष्यंत जी को पढ़ा, रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को मैंने बहुत पढ़ा, दिनकर जी और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत, महादेव वर्मा, मैंने सबको पढ़ा, शिव मंगल सिंह सुमन, सबको पढ़ा मैंने पोइट्री में। बड़ा अच्छा उन्होंने एक वैचारिक रूप से प्रेरणा दी मुझे जी, सभी ने जी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आपने छोड़ा किसको है जी, जब छोड़ा ही नहीं किसी को, जिसको पढ़ने की इच्छा होती है और वो ललक बड़ी दूर तक जाती है। हाँ, और अच्छा लिखने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, आप भी जानते हैं। तो फिर सबको पढ़ा है तो एक गजल भी पढ़ दीजिए। जरूर जी, मैं बहुत ही आनंद आ रहा है आपकी बातों में, क्योंकि आप बिल्कुल एक कहते हैं ना आईने की तरह बिल्कुल सामने रख रहे हैं अपने जीवन को। जी जी जी, एक छोटी सी गजल है चार शेर की जी, के सिर्फ चुपचाप रहना खतरनाक है जी, और हर बात कहना खतरनाक है, और बाढ़ से कोई नुकसान होगा नहीं, तेरे आंसू का बहना खतरनाक है। क्या बात है, वाह वाह। बाढ़ से कोई नुकसान होगा नहीं, तेरे आंसू का बहना खतरनाक है, सच को मत हारने दो मेरे दोस्तों, हर बुराई का रहना खतरनाक है। क्या बात है, सच को मत हारने दो मेरे दोस्तों, हर बुराई का रहना खतरनाक है, और आपकी सादगी कम नहीं है मगर आपने हार पहना खतरनाक है। आपने आपकी सादगी कम नहीं है मगर आपने हार पहना खतरनाक है, आपने हार पहना खतरनाक है जी, वो हार जो है दिया गया है या पहले से ही पहना हुआ है ये हार बनवाना खतरनाक है, हार जी, पहनना जी। नहीं हो बहुत खूब जी, लेकिन काफी ऐसे काफी था। हाँ, और जी भाव भी खूब गहरा जी। एक और गजल के लिए आग्रह करती हूँ, छोटी सी गजल जी, मैं जी। एक गजल थोड़ी सी कुछ शेर पढ़ता हूँ इसके। लोग जब महफिलें सजाते हैं, वैसे भी आज आपका दिन है, अपनी बातों को दोहराते हैं जी, लोग जब महफिलें सजाते हैं अपनी बातों को दोहराते हैं, झुंझुनों की नहीं जरूरत अब, झुंझुनों की नहीं जरूरत अब, आदमी झुंझुने हो जाते हैं। क्या बात है बाबा, आदमी झुंझुने हो जाते हैं। और देखिएगा तंज इसमें के अब कहाँ से दवाएं लाओगे, वैद ही रोग को बढ़ाते हैं। क्या बात, अब कहाँ से दवाएं लाओगे, कड़वा सा चाहिए, वैद ही रोग को बढ़ाते हैं, अब सहारा नहीं कोई देता, अब पकड़ टांग को गिराते हैं। और उनकी मासूमियत पे मरता था मैं, क्या पता था कि वो मिटाते हैं। और उनकी आंखों में झूठ लिखा है, अपने चेहरे को जो छुपाते हैं। क्या बात है, उनकी आंखों क्या में बात है, लिखा है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। और मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ कि इस गजल में जो आप इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, कहाँ तक सफल हुए हैं, मतलब क्या वाकई लोगों में जुनून है गजल सीखने का, या आप ढूंढते हैं कि भाई एक हल्का सा भी शायर है तो उसको अच्छा बनाया जा सकता है। बेशक बेशक, को किस तरह का रहता है आपका? हाँ, मैं आदमी मेरा हल्का शायर कहने का मतलब है कि जो भावों को कागज पर उतारते हैं और शुरुआत की है अल्फाजों को कागज पर उतारने की, लेकिन वो बहरों को नहीं जानता, गजल के जो पैरामीटर्स हैं उसको नहीं जानता, तो आप जांच लेते हैं कि ये लिखता बहुत अच्छा है, तो अब आगे का जरा आप बताएं क्या रहता है। आपने अच्छा प्रश्न पूछा, ये इसमें इसको मैं बड़ा शिद्दत से महसूस करता हूँ कि जो भी लिखता है और वो कभी कभी महफिल में हमारी गोष्ठियों में आते हैं, तो उनको मैं पहली बार में ज़रूर कहता हूँ, उसके बाद धीरे धीरे इसको मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ कि एक प्रेरणा उस्ताद मोहतरम से मिली कि अब इसको गज़ल को अच्छा लिखा जाए, अच्छा पढ़ा जाए, सुना जाए, और नए लोगों में इसको आगे प्रेरणा दी जाए ताकि गज़ल का सफ़र चलता रहे। तो मैं इसी परंपरा में उस्ताद मोहतरम से हमें शिक्षा मिली, तो और मेरे गुरु भाई डॉक्टर संजीव अंजुम जी हैं, और उस्ताद डॉक्टर संजीव अंजुम जी कहाँ से हैं? वो भी कुरुक्षेत्र के पास बबरण में रहते हैं। क्या बात है, कुरुक्षेत्र में काफी जो है शायर जी पूरा वो
मेरे मेला लगा हुआ हैं है। हाँ। और उनकी परंपरा में आ गए। हाँ। मुझे याद है कि हमने दोनों ने 2012 में टीचर डे पर अपने उस्ताद मोहतरम का मतलब के जश्न तफ्ता मुशारा किया था, उनका सम्मान किया था उसमें। और उसके बाद अभी जुलाई 2022 में मेरे जो शागिर्द हैं प्रकाश कुरुक्षेत्री, उन्होंने मेरे सम्मान में एक मुशारा किया और उन्हें मेरा जश्न क्या बात में मनाया। बाव, बहुत, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मैं आगे उसको चंद लोगों को दे पाया। हालांकि कई लोग में मुझसे सीखते रहे हैं, लेकिन पूर्णतः उन पे उतर पाया अब तक प्रकाश कुरुक्षेत्री। और मेरी हमेशा यही रहती है तमन्ना कि किसी को सिखाया जाए गज़ल को। गज़ल का बड़ा नाजुक सा मिजाज है, उसको मीटर में कहा जाए, क्योंकि इसका लहजा हर आदमी के दिल में उतर जाता है जी। इसकी जो अदायगी है, जो रवानगी है जी, वो लयात्मकता है जी, वो क्या अच्छी होती है। उसको फिर आगे बढ़ाने के लिए और नए लोगों को सिखाना, मैं समझता हूँ ये बड़ा जरूरी है। अगर हमारे सामने कोई है तो हम उसको सत्य बताएं, सच सही बात है। और मैं इसमें ये भी कहना चाहूँगी कि इतना खूबसूरत जिक्र है कि इसको हम जितना जिक्र करें उतना कम है, है ना। तो सुजान जी, ये बताइए, बड़ा मुझे लगता है पर्सनल सा सवाल है जी, कि जब एक लेखक घर में होता है, शायर खास तौर से या उपन्यासकार है, कवि हो, वो एक अलग दुनिया का प्राणी होता है, वो समाज से अलग प्राणी होता है, वो एकांत में रहकर सृजन करता है, मनन करता है, चिंतन करता है और लिखता है, कभी समाज पर, कभी दिल पर, कभी रिश्तों पर, और वो एकांत में रहना ज़्यादा पसंद करता है। तो ये सब की हम, मैं खुद भी लेखिका हूँ, तो ये स्थिति सबके साथ होती है कि वो खुद के लिए कुछ पल चाहता है एकांत के। तो आपके साथ कैसा माहौल है जब आप घर में लिखते हैं, तो घर वालों से आपकी मतलब क्या प्रेरणा है आपको उनसे? हाँ। कितना आपको सहयोग मिल पाता है? देखिए, सच्चा सच्चा जवाब जी, बेशक बेशक जी। देखिए, इस मामले में न जाने कितने लेखकों के दिल पे हाथ रखेंगे आप। मुझे ऐसा लगता है, जरूर दिल पर हाथ रख के कह रहा हूँ। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो लिखने का क्रम है, जो प्रेरणा है, वो मुझे लगता है सभी, शायद सभी शायरों के साथ, कवियों के साथ ऐसा होता घटता है। क्योंकि जब आदमी के मन में विचार आते हैं, जो उसके लिए कोई वातावरण बनता है लिखने का, तो वो एकांत में बनता है। और एक लेखक, एक शायर खास तौर पर एकांत चाहेगा जिस समय लिख रहा होता है। और परिवार में वो कभी काम, कभी बर्तन बज रहे हैं, कभी खाना पक रहा है, कभी फिर वो बीच में टोकते हैं, तो बड़ी उससे दिक्कत बड़ी पैदा होती है और विचार की जो श्रृंखला है वो टूट जाती है। और उससे फिर आदमी को विचार एक बार जो आया वो दोबारा नहीं आ पाता, तो उसको बड़ा दुख होता है, जैसे एक जन्म होता हुआ कोई बच्चा रह गया। तो इस तरह से विचार के साथ होता है। तो कभी ऐसा होता है कि जब घर में चहल पहल होती है और लिखने का ख्याल, जज्बा मन में उद्वेलित होता है, तो खेतों की तरफ चले जाएगा। वैसे तो मैं बचपन से, पिताजी ने ऐसा मुझे अवसर दिया कि मैं चौथी क्लास में पढ़ता था, तब हम खेतों में रहने लगे थे। अच्छा। पिताजी वहाँ आ गए थे और मुझे प्राकृतिक एक संपदा, एक वातावरण मिला वहाँ पर, और उससे मुझे बड़ा बेनिफिट मिला। और मैं क्या कहूँ इस बारे में कि मैं बाहर बैठता था खेतों में, लेकिन जब स्कूल जाता था तो साइकिल पर यात्रा होती थी, साइकिल पर जाते हुए विचार आना, फिर मोटरसाइकिल आई, मोटरसाइकिल पर जाते हुए कोई भी विचार आना और एक मिसरा हो जाना और विचार को उसको लिख लेना। यदि उसको उस समय लिख लिया गया तो याद रहेगा, फिर याद नहीं रहेगा, ऐसा भी होता रहा है। लेकिन उस एकांत में जो विचार आता है वो चहल पहल में नहीं आ पाता, नहीं आ पाता। तो एक विचार फिर से कर लेते हैं गजल पर जी, जाते जाते आपसे फायदा उठाते जी, हैं जी, बहुत खूबसूरत गजल और कहते हैं, और बिल्कुल व्यंग में भी आपकी गजलें हैं, दुनियादारी पर हैं जी जी, बेशक, जी बेशक। एक गजल के लिए आपसे आग्रह है जी। मैं एक देखिए छोटी चार शेर में गजल है कि जी, किसी को अब खुशी से मुस्कुराने कौन देता है, तमन्ना को मेरी होठों तक आने कौन देता है जी, मसल देते हैं अपना हक समझ कर चाहते हैं उनकी, नई कच्ची कली पर फूल आने कौन देता है, और कभी मौसम कभी नेता सभी तो लूटते हैं रोज, गरीबों को यहाँ पर सर उठाने कौन देता है, क्या बात है। और कहीं ना सामने आ जाए वो करतूत उन सब की, अंधेरों में मुझे दिया जलाने कौन देता है, क्या बात है। तो ये क्या एक व्यंग है समाज की उस पर। और अगर कहें तो आपको एक छोटी सी गजल और बहुत छोटी बहर की गजल है कि शब की चांदनी है तू, दिन की रोशनी है तू,
और प्यार में जो होती है पहली कंप कंपी है तू, ढूंढता था मैं जिसे, सच कहूं वही है तू। क्या बात है। और मैं हूं चांद का मुरीद, मेरी चांदनी है तू। क्या बात है। हे नई नई किरण, दिन की रोशनी है तू, छू नहीं सका तुझे, मेरा ख्वाब ही है तू। और मेरे दिल से पूछिए मेरी क्या नहीं है तू, मेरे दिल से पूछिए मेरी क्या नहीं है तू। क्या बात है, क्या बात है। ये तो जो कविता थी समाज से हट के दिल की बात थी, क्योंकि ये दिल की बात कलम से थी, और कलम से जो आपने दिल की बात कही है ये हमारे दर्शकों तक सीधे सीधे गई है। और एक सवाल और बताइए, कहते हैं कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो कवि तो अपने समाज में अब दिन पर दिन सभी मतलब इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से साहित्य पनप भी रहा है, तो आप मतलब कि कुरुक्षेत्र कहें हरियाणा कहें, तो साहित्य का क्या स्तर है, लोग किस तरह से अभी फिर से सोशल मीडिया की वजह से माहौल साहित्य का अब खराब हो रहा है कि बेहतर हो रहा है, आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है ये। आज के दौर में दिशा और दिशा क्या है साहित्य की सोशल मीडिया के दौर में? जी, सोशल मीडिया के दौर में मतलब आप कह सकते हैं प्रसार तो है, वही बात है कि अच्छाई को भी फैलाया जा सकता है उसके माध्यम से, और बुराई को फैलाया जा सकता है। अब ये सीखने का क्रम है एक जो सोशल मीडिया में कम हो पाता है, हालांकि इसको दिशा देने वाला चाहिए, तो दिशा देने से उसको सिखाया भी जाता है, क्योंकि आज के दौर में मैंने देखा कि बहुत सी साइट ऐसी हैं, बहुत सी फेसबुक पर ग्रुप ऐसे हैं जो गज़ल को सिखाते हैं, छंद और बहर को सिखाते हैं, मीटर को सिखाते हैं, ऐसे भी हैं, और बहुत ज़्यादा लोग नए युवा शायर ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर ही सीख रहे हैं। लेकिन सीखने की लगन भी तो ज़रूरी है, हर किसी में नहीं होती। कुछ नए नए बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब उसको कुछ पुराने शायरों के शेर को तोड़ मरोड़ कर पेश कर देते हैं और रिकास्ट करते हैं, उसी को रिकास्ट करते हैं, नहीं सीखते। हाँ, तो ये थोड़ा सा इसके नुकसान भी हैं, परंतु फिर भी हम कुल मिलाकर कहें तो सोशल मीडिया से साहित्य का प्रसार अच्छा हुआ है, लोग एक दूसरे को जानते हैं, ज्यादा जानने लगे हैं, और हमें इसको इसमें सकारात्मक करने की आवश्यकता है। अगर मैं कहूँ तो एक बड़ी परंपरा रही है हमारी, जो घराने रहे हैं शायरी के, वो सिखाते रहे हैं उसी प्रकार से। मुझे सेवा का मौका मिला आजकल अदबी संगम कुरुक्षेत्र में, एक साहित्य संस्था है जो 50-52 साल पुरानी संस्था है। अच्छा। और उस संस्था में मुझे सेवा का मौका मिला है आजकल, और मैं वहाँ पर हर महीने निश्चित करते हैं, गोष्ठी करते हैं, और वहाँ नए लोगों को सिखाने का प्रयास जरूर करता हूँ। जी, और सुजान जी, मैं एक रहस्य और खोलना चाहती हूँ जो आपको नहीं पता। जी, जो ज़ारा अल्लामी साहब हैं उनके शागिर्द आप हैं, है ना, इस परंपरा से हैं, फिर आपके शागिर्द प्रकाश हैं, प्रकाश के शागिर्द जो हैं बाद अपना बावला साहब है, आई जी रहे हैं, हाँ हरीश कुमार बावला जी रहे हैं, एक चेन इधर चल पड़ी। जी, और इधर देखिए, आपको बहुत खुशी होगी आज जानकर कि आपके समक्ष उर्मिल बैठी है, बी डी कालिया साहब जो है पंचकुला से, वो ज़ारब अल्लामी साहब के शागिर्द हैं, और बी डी कालिया के शागिर्द डॉक्टर सुशील हसरत नरेलवी हैं। अच्छा। और नरेलवी जी की शागिर्दा मैं हूँ। जी जी, तो हम एक ही खानदान से हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं बताया, मैंने कब मैं पहले आपकी पूरी बात सुनूं। ये बड़ी खुशी की बात है जी, मुझे आज ये पता चला। हाँ। और एक खानदान होता है जो उसका जब कोई भी मिलता है तो वो अपने अपना ही लगता है, और वो एक रिश्ता लगता है कि अपने खानदान से, अपने परिवार से है। जी, और हम लोग गजलों में क्या है कि हम बहरों के साथ, छंद शास्त्र के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते, भले ही हम कम लिखें लेकिन एक मुकम्मल गजल लिखते हैं। उस्ताद मोहतरम ऐसा कहते रहे हैं कि बेशक कम लिखा जाए लेकिन अच्छा लिखा, बेहतर लिखा जाए, बेहतर लिखा जाए, वो पूरा मीटर में हो। और हम भी अपने, जैसे हम पिता का जन्मदिन मनाते हैं, अपने परिवार में मनाते हैं, वैसे ही साहित्य विधा में भी हम इस परंपरा को निभा रहे हैं। पिछले दिनों हमने बी डी कालिया साहब का जन्मदिन मनाया, और सुशील जी का जन्मदिन था, तो हमारे हम 3-4 शागिर्दों ने उनका जन्मदिन मनाया। बहुत अच्छा। तो ये जो साहित्य विधा में गुरु शिष्य परंपरा का जो हम आगे लेकर चल रहे हैं, ये एक बहुत सार्थक प्रयास है, और मुझे लगता है हमारे जैसे बहुत से शागिर्द होंगे, बहुत से गुरु होंगे जो इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, और ये एक सकारात्मक, एक सार्थक प्रयास है। तो सुजान जी, आज
आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने विचारों से हमें सभी को जो है अवगत कराया, हमारे दर्शकों को अपने बारे में तमाम जानकारियाँ दी, बहुत सारी अच्छी गजलें सुनाई, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद आपका कि मुझे मौका दिया और जस्ट टीवी के माध्यम से अपनी बात रखने का अवसर मिला, और जितने भी दर्शक श्रोता गज़ल के जो पसंद करने वाले लोग हैं पूरी दुनिया भर में, उनको भी गज़ल के बारे में जानकारी अच्छा जानकारी मिलेगी, और मैं चाहूँगा कि सभी इसको जो लिखने का कोशिश करते हैं वो सीखें। जी, और दर्शकों तो आज आपकी मुलाकात हुई सूबे सिंह सुजान जी से, और आपने जाना उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में। तो आप कोई भी सलाह देना चाहें info@justbroadcasting.com पे हमें संपर्क कीजिए, और जो है हमारे प्रोग्राम के बारे में बताइए, कोई प्रतिक्रिया है, सुझाव है। वैसे तो आपका प्यार हमें मिल रहा है, और अब दीजिए अनुमति मुझे और सुजान जी को। प्रणाम। प्रणाम।